नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भातला भी देख रहे हैं आप। एक पुराना कहावत है, काफी परिचित आप इस कहावत से होंगे कि सिकंदर पूरा विश्व जीत करके आता है लेकिन अपने घर में आकर के हार जाता है। यानी कि एक और कहावत है रामायण काल से चली आ रही है कि घर के भेदी लंका डाहे। यानी कि आपके घर के लोग कैसे हैं, आप को घर से कितना, जहां से आपका उत्थान हुआ है वहां से आपको कितनी मजबूती मिल रही है, इस पर आपका भविष्य भी डिपेंड करता है। आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बिहार की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, यानी कि दोनों भाई लालू प्रसाद यादव जी के दोनों पुत्रों के बीच का जो विवाद है, इसके कारण लालू प्रसाद यादव जी में बिखराव टकराव देखने को मिल रहा है। इससे क्या कुछ क्षति हो रही है, यह बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर और दूसरे राज्यों को देखें तो 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में सपा परिवार में किस प्रकार से टकराव हुआ, चाचा भतीजा इन तमाम लोगों के बीच में, इसके बाद किन्हें राजनीतिक फायदा मिल जाता है, वोट का कैसे बंटवारा हो जाता है, विखराव हो जाता है, ये तमाम चीजें हमने देखी। इसके बाद अब आ जाते हैं बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में। झारखंड जब अलग हुआ था तो एक मुद्दे के साथ हुआ था कि जल जंगल और जमीन इसे बचाना है, और इसी को लेकर के झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। आपको बता दें कि झारखंड में वर्तमान में हेमंत सोरेन सरकार है, हेमंत सोरेन जो आपको बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अच्छे से सत्ता चला रहे थे, लेकिन अब उनके परिवार में ही कलह शुरू हो गया है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन जो हैं वह दुर्गा सोरेन के भाई हैं, और दुर्गा सोरेन के बारे में कहा जाता था कि जब शिवू सोरेन का जो सरकार था उसका पूरा कार्यभार दुर्गा सोरेन ही संभालते थे। यानी कि शिवू सोरेन सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए दुर्गा सोरेन ही जो है अपना पूरा दमखम लगा करके रखते थे। लेकिन 2009 में दुर्गा सोरेन की जो है कार दुर्घटना में जो है मृत्यु हो गई थी, इसके बाद पूरा जिम्मेदारी हेमंत सोरेन जो कि दुर्गा सोरेन के छोटे भाई हैं उन पर आ गई थी। लेकिन अब आपको बता दें कि जो दुर्गा सोरेन की बीवी हैं, दुर्गा सोरेन की जो पत्नी है यानी कि हेमंत सोरेन की भाभी, उन्होंने बगावत शुरू कर दी है। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है झारखंड में, और ऐसे में झारखंड के जामा विधानसभा क्षेत्र से सीता सोरेन जो कि दुर्गा सोरेन की पत्नी है वे विधायिका हैं। तो सीता सोरेन जी ने सीधे तौर पे जो हेमंत सोरेन है उन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन जो है अब उनमें ऐसा दमखम नहीं जैसा दुर्गा सोरेन में दमखम हुआ करता था। झारखंड का जो निर्माण हुआ था जल जंगल जमीन इसको बचाने के लिए हुआ था, तो अब आप पार्टी में ही बहुत सारे गुट देखने को मिल रहे हैं और पार्टी मुख्य मुद्दे से भटकती हुई दिख रही है। हेमंत सोरेन फैसला लेने में देरी करते हैं जिस वजह से इसका खामियाजा पूरे पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। यानी कि सीधे तौर पर अगर देखें तो बात अब ये हो गई है कि झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार चल रही थी यानी कि हेमंत सोरेन की जो सरकार चल रही थी, तो उनकी ही भाभी ने अब बगावत शुरू कर दी है। बगावत का आलम यह है कि जिस प्रकार से बिहार में तेज प्रताप यादव जी अलग संगठन बना लेते हैं छात्र जन शक्ति परिषद नाम से, तो ठीक इसी प्रकार से झारखंड में ही हेमंत सोरेन जी की जो भाभी हैं, हम बात करें सीता सोरेन, उनकी पुत्री विजय श्री और जयश्री सोरेन, उन लोगों ने मिलकर के दुर्गा सोरेन संगठन जो है उसे बना लिया है, और 24 जिलों में उसकी विस्तार की भी चर्चा हो रही है। यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि झारखंड में भी तख्ता पलट हो सकता है। अगर तख्ता पलट नहीं तो आने वाले चुनाव में जो हेमंत सोरेन जी का जो परिवार है यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री का जो परिवार है उसके बीच में जो टकराव की स्थिति पैदा हुई है, इसका खामियाजा हेमंत सोरेन सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को झेलनी पड़ सकती है। जोर भातलब के साथ जो भी अपडेट होगा भातलब की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसका जरूरत है कि भातलब की खबरों को आप यूं देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।